नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक खबर लेके आई हूँ बिग बॉस से जुड़ी, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। और वो खबर ये है कि क्या आपको पता है कि इस बार कौन घर से बेघर हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि रूबीना और अपने शार्दुल पंडित जी जो हैं वो नॉमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि जैस्मीन ने उस टास्क में जहाँ बिग बॉस ने बोला कि अपने सामान को डिस्ट्रॉय करो, ऐसे करो वैसे करो, वहीं जैस्मीन को जब बोला गया था कि आप अली गोनी को अगर नॉमिनेट करती हैं तो रूबीना सेफ हो जाएगी, जहाँ उन्होंने इनकार कर दिया था, तो रूबीना दिलेक जो हैं वो अब हो चुकी हैं नॉमिनेट। वहीं शार्दुल पंडित पहले से ही नॉमिनेटेड थे, जब फराह खान वगैरह आए थे तो उनको नॉमिनेशन में डाला गया था। लेकिन अब कौन निकल रहा है घर से बाहर, ये है बहुत बड़ी खबर और शॉकिंग भी है ऑफ कोर्स। और वो शॉकिंग है क्योंकि रूबीना दिलेक के जो फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और वो झटका ये है कि रूबीना दिलेक जो हैं वो घर से बाहर बेघर हो रही हैं। जी हाँ, रूबीना दिलेक या शार्दुल नहीं, क्योंकि शार्दुल जो है वो तो बहुत वीक कंटेस्टेंट थे। सब ने सोचा था जो रूबीना के फैंस थे कि भाई रूबीना को तो श्योर शॉट रहना ही है, शार्दुल जाएंगे। लेकिन बिग बॉस ने मारा है ट्विस्ट और बिग बॉस ने किया है एक डिफरेंट सा एक वार कंटेस्टेंट्स के ऊपर। और वो वार ये है कि बिग बॉस ने किया है रूबीना को घर से बेघर, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है कि रूबीना दिलेक घर से बाहर तो ज़रूर जा रही हैं, लेकिन घर से बाहर जाके वो अपने घर नहीं जा रही हैं, वो सीक्रेट रूम में रहेंगी। सीक्रेट रूम में उनको इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि उनको ये दिखाया जाएगा कि कौन उनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कौन उनके फेवर में बातें कर रहा है, कौन है उनका सच्चा दोस्त, कौन है उनका दुश्मन। वो सब रूबीना को एक एक झलकियाँ दिखाई जाएंगी सीक्रेट रूम में। तो मैं आपको बता दूँ कि शार्दुल निकल रहे हैं या नहीं इसका हमें नहीं पता। हो सकता है वो निकल जाए या हो सकता है दिवाली है इसलिए कोई नॉमिनेट ना हो, लेकिन रूबीना दिलेक जा रही हैं सीक्रेट रूम में, कि हमें सोर्सेस से पता चला है। एंड सेकेंडली, अली गोनी जब से घर पे आए हैं, जैस्मीन उनकी ऑब्वियसली शुरू से ही क्लोज है, तो जैस्मीन और अली गोनी की बॉन्डिंग बढ़ गई है। जहाँ जैस्मीन को पहले हम अभिनव और रूबीना के साथ हमेशा देखते आ रहे थे डे वन से घर के अंदर, वहीं अब अली और जैस्मीन की बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। अली को रूबीना और अभिनव उतने पसंद नहीं हैं जितने कि जैस्मीन भसीन उनके करीब हैं और उनको वो पसंद है, उनसे वो बातें करती हैं। अली गोनी को हमने देखा है, उनकी केमिस्ट्री अभी घर में सबसे बड़ी, स्पेशली कल जो डांस का टास्क हुआ उसमें राहुल वैद्या जो है उनके साथ वो ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो वो ज़्यादा क्लोज दिख रहे हैं। और फिर उनको निक्की जान और राहुल के साथ भी बैठ के बातें करते देखा गया, तो ऐसा लग रहा है कि वो रूबीना और अभिनव के उतने क्लोज नहीं है। और जैस्मीन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही से इन्फ्लुएंस हो रही हैं अली से, तो ये अंदर जाके रूबीना को दिखाया जाएगा और पता चलेगा उनको कि कौन कितना पानी में है, कौन उनके फेवर में है, कौन उनके अगेंस्ट है। तो ये है शॉकिंग खबर रूबीना दिलेक के फैंस के लिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग खबर भी है कि उनको निकाला नहीं जा रहा है, उनको रखा जा रहा है सीक्रेट रूम में। तो ये सोर्सेस से पता चला है, बाकी क्या होगा ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। उसके लिए जानने के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए सिने स्पीक्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने फीडबैक्स हमें देते रहिएगा। थैंक यू।